बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मिशन बंगाल पर हैं। बीजेपी आज से बंगाल विजय के लिए रथ यात्रा शुरू कर रही है और इस बीच ये बड़ी खबर ये है कि बंगाल में इस बार परिवर्तन तय है। ये जेपी नड्डा ने कहा है आज जब वो संबोधित कर रहे थे, मालदा में अपने रोड शो के दौरान लोगों को संबोधित कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने कहा बंगाल में इस बार परिवर्तन तय है। और एबीपी न्यूज से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खास तौर पर बातचीत की और इस बातचीत में उन्होंने बहुत जोर देकर कहा कि बंगाल में इस बार परिवर्तन तय है। यह बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। एक्सक्लूसिव बातचीत की एबीपी न्यूज से जेपी नड्डा ने और उन्होंने कहा कि बंगाल में इस बार परिवर्तन तय। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हो रही है और खुद उसकी शुरुआत कर रहे हैं पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। यहाँ नदिया के नवदीप में पहुंच चुके हैं, उनका चौपर उतरा और यहीं से हमारी यात्रा का सिलसिला भी शुरू होगा और ये जानने की कोशिश करेंगे इस परिवर्तन यात्रा में कि दरअसल जो काम ममता दीदी ने आज से करीब 10 साल पहले नाम दिया था, वही रास्ते पे अब एक बार फिर जेपी नड्डा के जरिए भारतीय जनता पार्टी अपना इंदौर बनाने की कोशिश कर रही है। इसलिए ये तरीका जो है भारतीय जनता पार्टी का, इस पर विचार मंथन और चर्चा की ज़रूरत है। हेलीकॉप्टर आ चुका है और चीज़ें दिखाई दे रही हैं। हम इस सफ़र में, परिवर्तन यात्रा के इस सफ़र में ये जानना चाहेंगे जेपी नड्डा से, बीजेपी के अध्यक्ष से, कि दरअसल यही नाम क्यों दिया गया और नादिया और नवदीप का ही नाम क्यों चुना गया। दिन भर जेपी नड्डा के साथ एबीपी न्यूज़ साथ रहेगा और ये जानने की और समझने की कोशिश करेगा कि दरअसल पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखाई दे रही है। पब्लिक का देखिए, जनता में उत्साह है, पब्लिक चारों तरफ इस मैदान की खड़ी हुई है, हेलीपैड बनाया गया है और जेपी नड्डा अभी तो लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और उसके बाद ये सफर इनका शुरू हो चुका है। बीजेपी ने इस बार पूरे दमखम के साथ इस कैंपेन को आगे बढ़ाया है और बीजेपी के नेतृत्व तो खुद पार्टी के कमान अध्यक्ष, कैसा रिस्पांस है सर? देखिए आप, बहुत अच्छा रिस्पांस है। मैं अभी जहां से आया वहां भी बहुत अच्छा रिस्पांस था और रोड शो में देखिए, जब मैं इस तरीके से कहता हूं तो उधर से या तो जय श्री राम या भारत माता की जय का नारे लगते हैं। जी बिल्कुल, सब लोग में बहुत जोश है और जन सैलाब स्थान स्थान पर जो देखने को मिल रहा है वह एक तरीके से बदलाव का की निशानी है और बदलाव का सिग्नल है। बदलाव मतलब परिवर्तन? जी परिवर्तन, परिवर्तन, वही परिवर्तन, वही नारा जो ममता दीदी ने 10 साल पहले दिया। जी जी हाँ, उनका परिवर्तन दूसरा था और हमारा परिवर्तन जो है वो सुशासन का है। चलिए, हम रास्ते में आपके साथ रहेंगे, जानते रहेंगे आप। जी सुमित जी बिल्कुल, मैं आपके साथ बैठ करके बातचीत भी करूंगा और इन सारी चीज़ों को रखूंगा। लेकिन इस समय आप देखिए कितना जोश है, महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में। जी जी जी, बड़ी संख्या में आई हैं और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी की जो स्कीम्स हैं, हालांकि उनको ममता जी ने रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन जो पहुंची हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो स्वच्छ भारत का विषय हो, सब ने महिलाओं को सशक्तिकरण किया है। आपकी कार्यकर्ता तो जेपी नड्डा की का आगमन हुआ है नवदीप में, नादिया शहर में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हो रही है और पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता उनको स्वागत करते हुए, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि उपहार में किताबें दें तो किताबों के जरिए, गमछे के जरिए स्वागत हो रहा है। ममता बनर्जी के लिए यही चिंता की बात है कि महिलाओं के बीच में भी भारतीय जनता पार्टी उतनी ही लोकप्रियता के साथ आगे बढ़ी है जितनी खास बात ममता दीदी की लीडरशिप के सामने महिलाओं को उस जमाने में 10 साल पहले दिखती थी, वह बीजेपी के लिए उस तरफ चीज़ें घूमती हुई मुड़ती हुई आभास होती है। और जय श्री राम के नारे तो ऐसे लग रहे हैं इस पूरे कैंपेन में, जो कुछ हुआ बीजेपी ने इसको अपना चुनावी कैंपेन बना लिया है। कांग्रेस के पुराने लीडर हैं, काउंसिलर कृष्णनगर के हैं, अभी ज्वाइन कर चुके हैं। स्वागत दादा, स्वागत सदर साहब का चेयरमैन। मेरे साथ दिलीप घोष हैं। दिलीप जी, ये इतने तो जय श्री राम के नारे यूपी में सुनने को मिलते हैं जितने बंगाल में। देखिए, इसकी पूरी श्रेय दीदी को जाता है। कैसे? दीदी अगर जय श्री राम बाल को जेल में नहीं डालती
प्रताड़ना नहीं करती तो नहीं होता। आज गांव में बच्चे महिलाएं सब जय श्री राम बोल रही हैं। तो ये फायदा मिलेगा? बिल्कुल जी, स्वतंत्रता संग्राम में वंदे मातरम जैसा था ना, अभी बीजेपी के लिए बंगाल में जय श्री राम वही होगी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।